हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपका HDFC बैंक एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या सेटिंग करना है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर्च बार में आपको HDFC एप्लीकेशन टाइप करके ओपन कर लेना है। उसके बाद स्टोरेज यूसेज पे जाएंगे, यहाँ पे क्लियर डेटा लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, दिस ऐप डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, दिस इंक्लूड फाइल सेटिंग डेटाबेस एंड अदर ऐप डेटा, और नीचे ओके और कैंसिल का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको ओके पे क्लिक करना है, अपने एप्लीकेशन का डेटा क्लियर कर देना है। इससे आपका एप्लीकेशन एकदम न्यू और फ्रेश हो जाएगा और सारी चीज़ें इसमें से रिमूव हो जाएगी। वापस से आपको अपने सारी डिटेल डालना है। इसके बाद आपको सेकेंड सेटिंग भी बता देता हूँ, ये फर्स्ट सेटिंग थी। जैसे आप एप्लीकेशन का डेटा क्लियर करते हैं, यहाँ पे आपको बैक आना है। जो सेटिंग्स का मेन मेनू है उसमें आपको बैक आना है। यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलता है आपको मोबाइल नेटवर्क का। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है नेटवर्क इशू के वजह से भी आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है या फिर वर्क नहीं करता है, तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिम कार्ड का स्लॉट सिलेक्ट करेंगे, जो स्लॉट में आपका सिम कार्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रीफर नेटवर्क टाइप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके आपको देखना है कि आपका नेटवर्क एकदम हाईएस्ट है या नहीं। 2G या 3G सिलेक्ट कर रहा हुआ रहता है कभी कभी ऑटोमेटिकली, तो इसकी वजह से आपका नेटवर्क स्लो होता है और इसी के कारण आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है या फिर वर्क नहीं करता है। इसलिए आपको अपना नेटवर्क हाई रखना है, 4G अगर मोबाइल है तो 4G सिलेक्ट करना है, और अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो आपको 5G नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको अपना मोबाइल रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है। जब आप ये तीनों सेटिंग को प्रॉपरली फॉलो करोगे, उसके बाद अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे तो इजीली ओपन भी हो जाएगा और वर्क भी करेगा डेफिनेटली। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से सारी सेटिंग्स आपको रिपीट करके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन का डेटा क्लियर करना है, फिर मोबाइल नेटवर्क में आके आपको नेटवर्क हाईएस्ट पे सिलेक्ट कर देना है, और लास्ट में मोबाइल बंद करके चालू करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय।